ऑर्डर कैसे पकड़ते हैं अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंफॉर्मेटिव आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर बगैर किसी देर किए मैं अब बात करता हूँ आपने क्या करना है आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली ठीक है अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख ली एंड uh, जो आपकी सर्विस है या गिग है फाइवर के ऊपर आपने उसके ऊपर डिटेल्स डाल दी ठीक है कि आप ये करेंगे वो करेंगे ठीक है जो भी डिटेल्स डाल ली आपने तमाम डिटेल्स डाल दी अब इसके बाद आपने क्या करना है सबसे पहले आपने करना है अपना पोर्टफोलियो रेडी पोर्टफोलियो रेडी करने के लिए आपके पास दो मेजर प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्मलॉम एंड आफ्टर दैट एक और सर्विस है उसका नाम है बिहंस डॉट नेट बिहंस डॉट Adobe की वेबसाइट है सर्विस है यहाँ पे लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अपना सारा पोर्टफोलियो वहां पर अपलोड करते हैं और उसका जो लिंक होता है वो अपने जो बायर्स हैं जो जहाँ पे रिकमेंडेशन की जाती है उनकी उनको शो करते हैं वो लिंक तो वो आपका प्रीवियस जो वर्क है वो देखते हैं सो so, सबसे पहले आपने क्या करना है अपनी प्रोफाइल के अंदर अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है पोर्टफोलियो ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल है उसके नीचे आप देखेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे ट्विटर का लिंक होगा स्टेक फ्लो का होगा ठीक है ड्रिबल का होगा डिजाइनर्स के लिए और फेसबुक uh, वगैरह एसेट्रा एसेट्रा तो आप उन सब अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे पहले अपना अकाउंट सारे कनेक्ट करेंगे अपनी प्रोफाइल के साथ फिर ये होता है उस उसका फायदा ये होता है कि आ, वो आ, आपकी जो प्रोफाइल होगी वो ट्रस्टेड हो जाएगी ठीक है जो फाइवर है फॉर एग्जाम्पल फाइवर की एग्जाम्पल लें तो वो आपकी प्रोफाइल ट्रस्टेड प्रोफाइल में शामिल कर देगा यानी वो ये बायर्स को बार बार आपकी प्रोफाइल दिखाएगा बार बार आपकी प्रोफाइल इसलिए दिखाएगा कि आपकी प्रोफाइल ट्रस्टेड होगी नंबर टू जब आप एक सर्विस क्रिएट करते हैं फाइवर के ऊपर या अपवर के ऊपर ठीक है जब आप बिट करते हैं तो आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके साथ बायर है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो तो आपने क्या करना है अपना जो पोर्टफोलियो का लिंक है ब्लॉगर डॉट कॉम के ऊपर जब आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे उसके एक टाइटल देंगे उसके ऊपर डि, डि, डिटेल्स लिखेंगे अपने जितने भी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्क्रीन शूट्स लेके उनके लिंक्स वगैरह जो भी है डाटा आपके पास वो सारा उसके पास अपलोड करेंगे या अगर अभी तक आपने अभी आप फ्रेश हैं बिगनर्स बिगनर्स में शामिल होते हैं तो आप क्या करेंगे कि अपलोड मतलब किया हुआ तो वैसा ही आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करेंगे एग्जाम्पल पोर्टफोलियो से कहते हैं और वो आप अपलोड करेंगे ब्लॉगो डॉट कॉम पे या बिहानस डॉट नेट पे वो दोनों आप लिंक आप अपनी जो गिग है या सर्विस है ये जब आप बाय रिक्वेस्ट को बिट करते हैं उसके अंदर आप यूज करेंगे उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी एसो की ठीक है एसो का वैसे तो एस की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि अपनी जो आपकी गिग है आपकी जो गिग है आपने उसके अंदर डिटेल लिखनी है टाइटल अच्छा सा लिखना है सिक्स टू सेवन वर्ड्स का डिटेल्स में आपने तमाम अपनी डिटेल्स देनी है कि आप कितने वक्त में क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके स्टेप बाय स्टेप माइल क्या होंगे उसके एंड पे आपने देना है लिंक पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो का लिंक देने के बाद आपने उसको बोल्ड कर देना है और नीचे आपने लिखना है कॉन्टैक्ट इन बॉक्स कॉन्टैक्ट इन इन बॉक्स ताकि कोई भी डिटेल्स एक्स्ट्रा चाहिए उनको पोर्टफोलियो के अलावा तो आपसे इनबॉक्स में रब्ता कर लें नंबर वन ये एक सिंपल सा एक ट्रिक है ठीक है बिहेंस और ब्लॉगर का इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फाइवर के ऊपर स्पेशली फाइवर के ऊपर आपको अलाउ नहीं करते कि आप किसी थर्ड पार्टी का जो लिंक है वो यूज करें इसलिए उन्होंने दो सर्विसेज का अलाउ किया हुआ यू कैन यूज टू सर्विस ब्लोगो डॉट कॉम एंड बिहेंस डॉट नेट मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको थोड़ा सा एक डायमंड नजर आएगा बिहेंस का और Blogger.com डॉट कॉम का तो इसके ऊपर आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं इजिली गूगल का अकाउंट क्रिएट करने के बाद करने के बाद नाउ इसका अगला जो स्टेप है आपने अगले स्टेप में क्या करना है जो आपकी डिस्क्रिप्शन हैश टैग एस ई ओ है डिजाइन हैश टैग फ्लायर इस तरह के जो हैशटैग टैग हैं वो आपने यूज करते हैं जैसे आप सोशल मीडिया भी यूज करते हैं अब थर्ड, है, थर्ड थर्ड जो स्टेप है थर्ड स्टेप है बाय मेरे सामने एक लिंक आपको नजर आएगा बाय रिक्वेस्ट जो है है फाइबर का एक पोर्टल जहां पे जो बायर्स हैं वो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं आप उनको बिड करते हैं बिड करने के बाद जो बायर होता है अगर आप आपकी जो बिड है उसको पसंद आती है आपकी डिटेल्स उसे पसंद आती है या आपकी ऑफर उसे पसंद आती है तो वो आपसे इनबॉक्स में रता करता है और आपके लिए आपको कहता है कि कस्टम ऑफर जनरेट कर दो मेरे लिए यानी कि मैं इतनी इतना अफोर्ड कर सकता हूँ इस टास्क के लिए तो आप उसे जैसे तैसे करके मना लेते हैं ठीक है तो बात आती है शेयरिंग की शेयरिंग बेसिकली वी हैव थ्री मेजर सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर एंड यूट्यूब फेसबुक ट्विटर यूट्यूब इंस्टाग्राम बेसिकली एक फोटो कॉलेज वेबसाइट है और uh, इसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो के स्क्रीन डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट दे सकते हैं अपना जो गिग है उसका लिंक डायरेक्टली अपने प्रोफाइल में दे सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपने करना जब गिग आप क्रिएट करते हैं उसके बाद उस गिग का लिंक एंड पे आपको मिलता है आपने उसको शेयर करना सोशल मीडिया पे ठीक है उसका क्या बेनिफिट होगा कि गूगल जो है गूगल या बेंग याहू या यू नो यस ऑल दर्च इंजन अप्रोच योर लिंक लिंक अप्रोच करने के बाद वो आपको इंडेक्स करेंगे यानी आपके जो लिंक्स हैं गीक के लिंक्स हैं वो बार बार लोगों को दिखाएंगे जब कोई यूजर सर्च करेगा फॉर एग्जाम्पल आई सर्च वेब डिजाइन तो वो नीचे uh, आपका लिंक टू परसेंट चांसेस है कि वो शो करेगा अच्छा ये तो ए, एक हो गया सिंपल ट्रिक इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो ये है कि जो फ्रेश प्रोफाइल्स हैं उसके लिए एक ट्रिक है आपको एक काम करना पड़ेगा का, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी वो इस तरह जो आपके जो रिलेटिव बाहर रहते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं आपने क्या करना है आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि एक छोटा सा मायनर सा ऑर्डर आपकी गिग के ऊपर या सर्विस के ऊपर प्लेस कर दें और आपके कहने पे वो उसको अप्रूव भी कर दें आपके कहने पे वो आपको फाइव स्टार रेटिंग भी दे दें और अच्छा सा एक रिव्यू पोस्ट कर दें ये है एक ट्रिक फिर आपने क्या करना है एक रिव्यू पाकिस्तान से लेना है एक रिव्यू किसी और कंट्री से लेना है यूए में रहते हैं या यूके में वट कोई भी कंट्री हो सकती है कोई मसला नहीं तो जब चार पांच रिव्यूज आपके प्रोफाइल के नीचे होंगे जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर 80 परसेंट चांसेस होते हैं कि एटलीस्ट जो बायर होता है वो आपको रिस्पॉन्स करता है आपकी बीट के ऊपर तो ये दो ट्रिक्स हैं मेजर ठीक है इसके अलावा जो थर्ड है उसमें यह है कि आप अपने लिंक की मार्केटिंग करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग उसको कहते हैं गूगल एड्स के थ्रू या फेसबुक uh, के थ्रू ट्विटर के थ्रू आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं वो बहुत ईजी सिंपल टास्क है उसके लिए भी आपको यू नो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो अगर तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लें उनको ऑर्डर्स मिल जाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट यूज करें उसको प्रमोट करें अपनी गिग को अपने हिट्स लें हिट्स का मतलब होता है ट्रैफिक जनरेट करें अपने गिग के ऊपर फिर जब uh,

फाइवर uh, या अवर या फ्रीलांस डॉट कॉम आपको ब्लॉक कर देगा सिंपली एंड दे गिव योर अकाउंट बैक बिकॉज उनकी जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट है बी केयरफुल एंड बी कॉन्फिडेंट फॉर योर फ्रीलैंसिंग डे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू सो मच